श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देशन में खाद्य पदार्थ में मिलावटी माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश कुमार खुरपुसे व DSP हेडक्वार्टर श्री अरविंद कुमार शाह के मार्गदर्शन में आज दिनांक को मुखबिरी की सूचना प्राप्त होते ही थाना भारोली के ग्राम गोरम घर में संचालित दूध डेयरी पर मिलावट करने नकली दूध तैयार किए जा रहे थे। इसकी सूचना खाद्य विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें मौके पर 2000 लीटर दूध एवं 3 टीन रिफाइंड पाम कर्नल ऑयल मात्रा 45 किलो, 1 केन में 35 किलो लिक्विड डिटर्जेंट, 1 बोरी माल्टो डस्टिन पाउडर मात्रा 25 एवं 2 कट्टी में 50 किलो RM बढ़ाने का केमिकल पाया गया, जिसे मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 1,25,000 रुपये है। आज इलाका भ्रमण के दौरान हम लोगों को सूचना प्राप्त मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम गोरम में एक दूध डेयरी में मिलावटी दूध तैयार किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर से हम लोग मार बल के ग्राम गोरम में पहुंचे, तो वहां जाके हमने देखा कि मिलावटी दूध कुछ केमिकल्स मिलाकर दूध तैयार किया जा रहा था, जिस संदिग्ध होने पर हमारे द्वारा फूड सुरक्षा अधिकारी श्रीमती रीना बंसल जी को सूचना दी गई थी। मौके पर वो आई, उनके द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें मौके पर से 2000 लीटर दूध, 3 रिफाइंड ऑयल की टीनें और इसमें 35 किलो बेंजीन एक डिटर्जेंट है और माल्टो डेस्टिन पाउडर 25 किलो और 50 किलो RM ये दूध बढ़ाने का केमिकल वहां से मौके पर से संग्रहित जब्त किए गए थे। कुल जिसकी कीमत 2.25 लाख है। ये मौके पर से कार्रवाई की गई थी, पुलिस एवं फूड विभाग की संयुक्त कार्रवाई की गई।